हेलो एवरीवन, हाय पूछो पूछो, तुम पूछो मैम से। मैम आप राहुल को समझा दीजिए, क्वेश्चन है इसके पास जिसका मैं आंसर दे दे के थक चुका हूँ, राहुल समझ नहीं पा रहा है। ओ हमारे मनीष के पास आजकल आंसर भी होते हैं। मतलब मैम ऐसा क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं है, बट बहुत सारे इवेंट्स में हम ये खुद फेस भी किए तो अपने आप से पूछ लेते हैं। हमने मनीष से भी पूछा तो मनीष का आंसर कुछ और रहा है, इससे पूछा तो इनका आंसर अलग माशाल्लाह टाइप है। तो हम सोचे, हमें भी पता है बट हम आपसे एक बार जानना चाहते हैं ये चीज कि किसी भी इवेंट प्लानर को बुक करने का सही समय क्या होता है। नाइस क्वेश्चन है, इस बार राहुल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और गाइज इसमें ऐसा कुछ साइंटिफिक रीजन तो नहीं है, लेकिन आप लॉजिकली ये समझिएगा, जब आपको कोई अच्छा चीज चाहिए है ना, मान लीजिए पहली चीज तो आपका इवेंट किस स्केल का है। इफ इट इज मोर देन 50 पैक्स, जब आप अपने गेस्ट लिस्ट में 50 लोगों से भी ज्यादा इन्वाइट करते हो, मान लो आपका क्लाइंट कह रहे हैं कि मेरे गेस्ट जो है वो 80 है, 60 है, 70 है, इट्स नॉट लेस देन 50। जब 50 के नीचे नहीं है, दैट मींस इट्स नॉट अ फैमिली गैदरिंग, आउटसाइडर्स आर ऑल्सो कमिंग एज अ गेस्ट। और एक गेस्ट हो या फिर दो गेस्ट हो, जब आपके ऑफिस में दो लोग भी आते हैं ना, यू चकाचौंध एवरीथिंग है ना। सो दैट्स हाउ वी वर्क। जब आप एक अच्छे इवेंट प्लानर को हायर करते हैं तो उसको हायर करने का सबसे सही समय कुछ नहीं होता है, जस्ट लाइक जितना जल्दी आपने उनको समय दिया उतना ज्यादा अच्छा रिसोर्स उन्होंने आपके लिए फाइंड आउट किया। क्योंकि एक इवेंट प्लानर आपके बिहाफ में काम करता है, आपके बिहाफ में काम करने का मतलब सही प्राइस पे, सही पर्सन से, सही जगह पे है ना, और सही टीम मेंबर के साथ काम किया। लाइक फॉर एग्जांपल, देर आर लॉट्स ऑफ वेंडर्स, डेकोरेटर्स बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। अगर मैं वाराणसी की बात करूँ तो मैं डिसाइड करूँ कि कौन सा डेकोरेटर अवेलेबल है और उनमें से मुझे कौन चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही अवेलेबल है और उसी से काम कराना है ना। ये तब होगा जब आप एकदम लास्ट मोमेंट पे मेरे पास कोई इवेंट लेके आते हो कि पूजा टुमारो एंड आफ्टर टुमारो इज माई इवेंट, यू हैव टू डू समथिंग। अब मेरे पास जो अवेलेबल रहेगा मैं उनसे ही काम कराऊंगी है ना, क्योंकि सारे अच्छे चले गए होंगे। अगर आप मेरे पास एक महीने पहले या फिर दो महीने पहले या फिर जितना जल्दी आपका इवेंट आपको आया है कि बुक हो चुका है, वेन्यू भी क्लियर हो गया है या फिर वेन्यू भी करना है, यू केम टू पूजा गोस्वामी एंड पूजा गोस्वामी सेड दिस वेन्यू, दिस वेंडर, ही इज अवेलेबल, दिस डीजे, दिस एंकर, ये आप तब आप ऑप्शंस रहते हैं। 10 डीजेस में आपने एक डीजे को लिया, 10 एंकर्स में आपने एक एंकर को चुना। ऐसा नहीं था कि आपके पास एक ही एंकर अवेलेबल थी तो आपने उसी को चुना, या फिर एक ही डीजे अवेलेबल था तो आपने एक ही डीजे को अवेलेबल किया। अच्छा डेकोरेटर मिलना भी, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बहुत पसंद है, लाइटिंग, लाइटिंग का डेकोर। अगर लाइटिंग के लिए आपके पास अच्छा वेंडर मिल जाए तो मजा आ जाए ना। और ऐसा वेंडर मिल जाए जिसके पास कुछ है ही नहीं, गिनती के कुछ पार लाइट्स हैं, गिनती के कुछ राइस लाइट्स हैं, या फिर गिनती के कुछ कुछ आइटम्स हैं, तो आप उनसे क्या ही काम करवाओगे, बेसिक काम होगा। लेकिन जब आप एक बड़े वेंडर के साथ काम करोगे तो उसका कम भी ना ज्यादा होगा, उसके पास जो कम सामान होगा ना वो भी तुम्हारे इवेंट के लिए काफी ज्यादा होगा। सो मैं यही कहूंगी कि इवेंट प्लानर को हायर करने का मतलब ही यही होता है कि आप क्रिएटिविटी वर्क चाहते हो ना, यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इट्स इट शुड नॉट बी पैकेज वाला काम, इट शुड नॉट बी कि लोकल ही कर दो यार पूजा, कुछ भी कर दो। आप कभी पूजा से ये नहीं कहोगे कि कुछ भी कर दो यार पूजा, यू विल से पूजा डू समथिंग अमेजिंग, ब्रिंग आउट समथिंग लाइक कि सब लोग देखते रह जाए कि पार्टी ऐसी होती है। सो हायरिंग एन इवेंट प्लानर और गिविंग देम टाइम इज गोइंग टू सेव योर मनी एंड ऑल्सो गोइंग टू सेव योर रिसोर्सेज। राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट थिंग्स, राइट टीम, एक सही डेकोरेटर या फिर सही वेंडर के साथ काम कराना, सही लाइटिंग पर्सन को चुनना, सही एंकर को, सही एंटरटेनमेंट पर्सन को। अब फॉर एग्जांपल मैं बाहर के सेलिब्रिटीज को कैसे बुलाऊं, उनके रेट्स तो हाई हो गए। अभी न्यू ईयर का सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर आपने 3-4 महीने पहले डीजे बुक कर लिया होगा न्यू ईयर के लिए तो आपको सबसे सही रेट पे मिले होंगे। अब 10 दिन पहले आप जगे होंगे और अचानक से आपको याद आया चलो एक एंकर बुक करते हैं, जिस एंकर का चार्जेस 10,000 रुपए भी नहीं होगा या फिर 30,000, 40,000, व्हाटएवर द रेट, आज उनका रेट जो होगा वो 75,000, 80,000, 1 लाख ऐसे होगा। सेम विद द डीजे और सेम विद द एंटरटेनमेंट, फ्लाइट चार्जेस सब कुछ बहुत बढ़ चुका होगा। तो क्या आप यहाँ पे बचा पाओगे पैसा? आप कितना भी अगर आप पहले काम किए होते ना तो लाखों रुपए आप बचा सकते थे, लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट काम कर रहे हो दैट मीन्स 2 लाख रुपए आप और खर्चा कर रहे हो, अपने 1 लाख के काम को 3 लाख रुपए में करवा रहे हो। दिस इज द पावर ऑफ टाइम। अगर आप पहले इवेंट बुक, जितना जल्दी आपको टाइम मिलता है आपका क्रिएटिव माइंड काम करना शुरू करता है, आपका क्राफ्ट वर्किंग बढ़ता है। क्राफ्ट वर्क इतना आसान नहीं है ना कि आपने यूं कर दिया और हो गया। क्राफ्ट वर्क में आप लोग खुद ही कटिंग पेस्टिंग करते हो यार, इतना सारा पेपर हैंगिंग बनाते हो, पेपर बॉल्स बनाते हो, इट टेक्स टाइम, थर्माकोल कटिंग करते हो, इट इज नॉट एट ऑल इजी। व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अस टाइम वी आर गोइंग टू गिव यू सॉलिड वर्क।
लेकिन अगर आप टाइम नहीं देते हो तो हमारे पास जो अवेलेबल होगा, जो इन हाउस प्रोडक्शन डेकोरेटर के पास होगा या फिर हमारे पास होगा या फिर किसी के पास भी होगा, दैट इज हाउ वर्क इज गोइंग टू बी डन। एंड आई बिलीव कि पीजी इवेंट स्टूडियो हमेशा कोशिश करता है आउट ऑफ द बॉक्स काम करने में, आपके बजट को जस्टिफाई करने में, है ना। आपका एवरी पेनी का जो साउंड है ना वो दिखता है आपके इवेंट में। और ये तो मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ दैट वी वर्क लाइक विद अ पैशन। ऐसे नहीं हम ऐसा नहीं होता कि कैजुअल काम कर ले। आई बिलीव लाइक वी ऑल बिलीव, वी हैव सीन, है ना, हम काम कैसे करते हैं, हम मर जाते हैं काम में करते करते। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग पीजी इवेंट स्टूडियो। डू विजिट अस, डू विजिट आर वेबसाइट, डू विजिट अस ऑन इंस्टाग्राम, पूजा गोस्वामी 0111 और पीजी इवेंट स्टूडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल, यूट्यूब चैनल, यू विल सी ऑल आर वर्क देयर। और हम धीरे धीरे वीडियोज भी अपलोड कर रहे हैं, तो वॉचेस, ब्लेसेस और कोई भी क्वेश्चन है प्लीज राइज इट। थैंक यू, बाय बाय।